माय ब्लॉग तनु की छोटी सी दुनिया। तो ये है छोटी की दुनिया, छोटी सी दुनिया। दो छोटे छोटे अनमोल रतन मेरे। तो ये दोनों का डिमांड है आज ये लोग पुचका खाएं। बहुत दिन से ही बोल रहे हैं पुचका खाना का, बीमार के वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज संडे भी है तो मैंने सोचा क्यों ना बना लूं पुचका। तो इन दोनों को देखो, ये पुचका, ये दोनों है पुचका। एक्चुअली घर पे इसकी दादी इसे पुचका बुलाती है और इसे पुचकी है ना। तो बोलो क्या खाने का मन था, बोलो बात करो। पुचका कैसा लगता है? यम्मी और खट्टा। और जब भी ना हम लोग सिलचर जाते हैं या हम लोग जब पुचका खाते थे पहले अभी नहीं तो मत करो। तो ये क्या करता था, हम लोग पुचका खा लेते थे 20 रुपीस हो या ज्यादा नहीं खाते थे। और ये क्या करता है, लास्ट टाइम जब पुचका हम लोग एक सूखा लेते हैं तो ये बोलता है मेरे लिए कहाँ है। तो जो भी पुचका वाले होते थे भैया या जो भी है वो लाके एक दे देते थे इसके। तो बोलते हैं पानी कौन देगा पानी है ना। तो ये बहुत पसंद करता है, तीखा खाना बहुत इसे पसंद है ना। तो अभी हम लोग बनाएंगे पुचका, तो चलिए बनाते हैं पुचका। हम लोग पुचका बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, 2-3 प्याज जो है बारीक से काट लिया है। यहाँ पे हरी मिर्च है, यहाँ पे नींबू है, यहाँ पे पुदीना है, मतलब पुदीना जो भी, और यहाँ पे धनिया पत्ता तो बारीक से काट लिया है। और दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे इमली को अच्छे से धो के रखा है। तो इसका पानी जो बनेगा अभी, पैकेट का ही पुचका जो है उसको ही तलूंगी तेल में। और नॉर्मली अभी जो है पुचका सूजी का जो बनता है मैं वो नहीं बना रही हूँ। तो मैंने बावल में पानी ले लिया है, तो ये गर्म पानी है जो ठंडा कर लिया था मैंने पहले ही। तो इसमें मैं पहले दे देती हूँ जलजीरा जो 2 पैकेट है, तो यहाँ पर मैं जलजीरा दे दूँगी। तो जलजीरा बहुत अच्छा है खाना भी, तो यहाँ पर मैं जलजीरा दे देती हूँ। तो इसका काटना जो है छोटा सा काट दिया है मैंने। एक्चुअली पुचका सभी का पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है पुचका, पर बनाने का जो है टाइम नहीं मिलता है क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जलजीरा ले लिया है और यहाँ पे मैंने इमली जो है उसे अच्छे से मैश करके यहाँ पे रखा है उसका पानी, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो इसमें ही मैं दे दूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी दूंगी मैं यहाँ पे। तो पानी थोड़ा तीखा तीखा अच्छा लगता है। और फिर जाएगा इसमें नमक, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने काट के रखा था पुदीना का पत्ता जो है मैं यहाँ पे ही दे देती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा धनिया पत्ता भी दे दूंगी यहाँ पे और जो नींबू रखा था मैं यहाँ पे दे दूंगी थोड़ा सा निचोड़ के। मैं हाथ से ही नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये लंबा वाला है, तो मतलब उसका जो मशीन है मैंने अभी कहाँ रखा है नहीं पता। तो यहाँ पे नींबू दे दिया है, तो इसे अच्छे से अब जो है मैं यहाँ पे मिक्स कर लूंगी। तो और भी बहुत कुछ बूंदी वूंदी देते हैं, तो अभी फिलहाल ये सब नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और नमक जो है टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि नमक ज़्यादा है या कम। कम होने से आप डाल सकते हो, ज़्यादा होने से आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे पानी तैयार हो चुका है, ये है पुचका का पानी यानी गोलगप्पे का पानी जो भी बोलिए। तो आज हमारे साथ देखिए कौन है, तो यह कृति चाचा की लड़की है, तो मतलब हमारी ननद ही हुई। लनाया देखो इधर, देखो इधर देखो। तो आज क्या खाएंगे बोलो? कृति कुछ बोल दो। हाय। तो कृति है बहुत प्यारी है और बहुत कम बोलती है, तो बहुत प्यारी है। अभी कौन सी क्लास में हो? 7, 8 में हो ना, अभी 8 का एग्जाम दिया है, 9 उठोगी। अच्छा, तो अभी हम बनाएंगे जो पुचका का चोखा होता है या फिर जो इसमें जाते हैं आलू का स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता दे दिया और जो पुदीना पत्ता है, तो यहाँ पे जाएगा बहुत सारा प्याज और जो हरी मिर्च है वो भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब एक साथ ही डाल देती हूँ और फिर से मैंने दे दूंगी नमक। और थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो इमली का पानी बनाया था हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ से ही दे देंगे इमली का पानी में से थोड़ा सा।
और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो चुका है। यहाँ पे पुचका जो है मैंने तल लिया है और यहाँ पे पुचका का पानी और यहाँ पे जो पुचका चटनी है सब बन चुका है। अब है खाने का बारी। तो यहाँ पे चल रहा है पुचका पार्टी। यहाँ पे लनाया बैठी है, कृति बैठी। कृति कैसा हुआ? अच्छा हुआ, बहुत टेस्टी हुआ, इतना भी नहीं होगा। और इस जनाबे अली को तीखा लग गया है, तो देखो चीनी खा रहे है, आँख से पानी गिर रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है पुचका पार्टी, तो ये लोग खा रहे हैं, इन लोग को मैं खिला देती हूँ। बहुत अच्छा लगा पुचका पार्टी किया बच्चों लोगों ने और सभी ने बोला टेस्ट हुआ है। तो अभी जो है अभी नॉर्मली रात का जो डिनर बनेगा और अभी सभी आए थे, मतलब 2 घंटा सब लोग इतना पाते कि बहुत दिन बच्चा अच्छा लगा है, मज़ा आया। चाची आई, तीन उनके पंडित जी के सभी बच्चे आए थे, पंडित जी भी आए हैं, तो सभी बात कर रहे हैं, बहुत मस्ती हुआ अभी। और मैं उस टाइम वीडियो नहीं कर पाई, तो अभी मैं फिर से मैंने कहा सोचा कि एक बार आ जाती हूँ वीडियो में। और बहुत दिन बाद अच्छा लगा और मस्ती भी हुआ, मतलब बीमार के बाद से, मतलब नॉर्मली हमेशा जो है थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी एंजॉय कीजिए वीडियो के साथ और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।